नमस्कार, मैं हूं तबस्सुम परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। डॉक्टर दीपक त्रिपाठी सुपुत्र के जनेऊ समारोह में आशीष देने शामिल हुए न्यायाधीश व रेलवे एजीएम तक भागलपुर में एक सप्ताह तक चला श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन, लाखों लोगों ने लिया ज्ञान का वर्धन। वैसे तो जनेऊ धारण करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वेदों में जनेऊ धारण करने की हिदायत दी गई है। जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ ही उसे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। इसी परंपरा के निर्वाह के दौरान शुक्रवार की शाम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भागलपुर के सम्मानित और प्रतिष्ठित शासकीय सेवानिवृत्ति वासुदेव मणि त्रिपाठी, सेवानिवृत्ति लोकप्रिय स्वास्थ्य निरीक्षिका इंदु मणि त्रिपाठी के सुपुत्र डॉक्टर दीपक त्रिपाठी, उनकी बहू श्रीमती माया मणि त्रिपाठी के लाडले मेधावी सुपुत्र चिरंजीवी शुभ मणि त्रिपाठी का शुभ योग पवित जनेऊ संस्कार समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बटुक शुभ मणि त्रिपाठी को आशीष देने हेतु यूपी और बिहार के अनेक प्रशासनिक अमलों एवं न्यायाधीश अनुपमा त्रिपाठी सहित पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के अपर महाप्रबंधक श्री अनिल मिश्र जी भी उपस्थित होकर चिरंजीवी शुभ मणि त्रिपाठी को अपने आशीष से उन्हें अनुग्रहित कर अपने आप को खुशनसीब महसूस कर ढेरों बधाइयां दी। इस दौरान नगर क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित होकर आयोजित प्रतिभोज में सम्मिलित हुए। इस समारोह से समूचा इलाका मांगलिक उत्सव की परिधि में हर्षोल्लास का वातावरण में पूरी रात उसमें लीन रहा। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों और सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनाई जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान काफी अहम होता है। इसी परंपरा के अनुसार बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए उपनयन संस्कार अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना जाता है। इस अवसर पर देवरिया के भागलपुर चौराहे स्थित त्रिपाठी कॉम्प्लेक्स में आयोजित जनेऊ संस्कार समारोह में मांगलिक शुभ अवसर पर केशव मणि त्रिपाठी, राधेश्याम मणि त्रिपाठी, ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी, वेद प्रकाश मणि त्रिपाठी, समूचा त्रिपाठी परिवार, उनके नाते रिश्तेदार, दोस्त मित्र सहित मुख्य रूप से पूर्वांचल की देवरिया पडरौना बलिया मऊ की जनपदों में बिना दर्द दर्द रहित जटिल से जटिल खराब दांतों को निकालने में माहिर व मरीजों के मसीहा के रूप में विख्यात बीडीएस डेंटल सर्जन डॉक्टर दीपक त्रिपाठी के अटूट रिश्ते मामा श्री अनिल मिश्र, पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक गोरखपुर व बिहार प्रांत के न्यायाधीश अनुपमा त्रिपाठी सहित सुधार मिश्र, प्रभाकर मिश्र, उपेंद्र मिश्र, कामेश्वर मिश्र, डॉक्टर विपिन बिहारी, भूषण यादव प्रधान, उमा यादव, रोशन यादव, बलिया जिले के सिकंदरपुर इंटर कॉलेज के प्राचार्य लाल बचन तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार चिन्नेलाल गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार शीतल निर्भिक, भारत मीडिया के संपादक सब्बीर अहमद विशेष रूप से इस समारोह में उपस्थित रहे। भारत मीडिया के लिए सब्बीर अहमद के साथ शीतल निर्भिक की ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं देवरिया जिला के भागलपुर में मौजूद हूं और यहां पे आज एक जनेऊ संस्कार का जो है कार्यक्रम जो है हुआ था। यहां पे जो है बच्चे के जो दादा दादी जो दोनों लोग मौजूद हैं, उनसे जो है बात करते हैं आज जो है यह खुशी के पल में जो है वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, हमारे जीएम साहब भी हैं। हाँ, आज हम दोनों दंपति आज प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य एक तरह से पूर्ण हो चुका है। भागवत कथा और जनेऊ संस्कार है हमारे पौत्र का और इसमें हम आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही
मतलब हमको अति प्रसन्नता हो रही है कि हम ऐसा कार्यक्रम करके अपने जीवन उद्धार कर लिए। ये जनेऊ संस्कार जो है आपके पुत्र का हुआ, तो ये सबसे बड़े पुत्र हैं आपके? जी, एक ही पुत्र हैं, डॉक्टर दीपक मणि त्रिपाठी, और उनके एक मात्र सुपुत्र शुभ मणि त्रिपाठी, जिनका उपनयन संस्कार आज हुआ है और आप सभी का आशीर्वाद मिला है। और अभी तक ये इनको शिक्षा ग्रहण आज दे दिया गया है उपनयन संस्कार के माध्यम से, कि जीवन में अनुशासनबद्ध होकर रहना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, जीवन के हर समाज के हर जात धर्म की सेवा करना है और पूरे मानव समाज की सेवा करना है अनुशासन में रह करके, और विद्या अध्ययन करना है, हम महान व्यक्ति बने, बस यही इसका उद्देश्य। कितने साल के उम्र में ये संस्कार जो है होता है? ये संस्कार हमारे हिंदू समाज में ब्राह्मण के लिए 16 साल की अवस्था तक संस्कार कर लेना चाहिए, 9 से लेकर 16 साल की उम्र तक ये उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। कितनी साल की उम्र है आपके पास? इस बालक मैंने सुपुत्र की उम्र जो है इसमें 15वां चल रहा है जी। 15 साल की उम्र में इनका जो है संस्कार हो गया, तो आप उनकी दादी हैं जी, तो आपको आज के दिन कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो मैं कैसे व्यक्त करूं कि कैसा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा, जिंदगी का सबसे सुनहला, सबसे खूबसूरत, सबसे सुखदाई आज दिन था जो मैं महसूस कर रही हूँ जी। तो अपने जो इतने लोग आए हुए हैं इस संस्कार में शामिल हुए हैं, अपने पौत्र के लिए कुछ कहते हुए उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो लोग सवेरे से आकर मेरे पौत्र के लिए इतना कीमती समय दिए, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे थे दादा और दादी दोनों लोग मौजूद थे, और इस संस्कार के बाद जो है अपने आप को जो है काफी गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में हमें कहना चाहेंगे, आपने पूछा कि कितने लोग, हमारे बहुत क्षेत्र के सभी लोग आए, हर विद्वान आए, सारे संबंधी आए, एक से एक पद पर बैठ आए हुए हैं, और हमारे खुद साले साहब जो हैं इस उत्तर प्रदेश भारत सरकार के रेलवे के पूर्वोत्तर रेलवे के AGM हैं, इस समय वर्तमान में गोरखपुर में नियुक्ति है, इस समय वर्तमान में अभी आपके सामने उपस्थित है, मैं उनको एक मिनट के लिए आपसे साक्षात्कार करा रहा हूँ। जो है कीमती समय आप निकाल करके और यहाँ जो इस संस्कार में जो शामिल हुए, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, और ये हमारी सिस्टर हैं, और नौकरी तो अलग रहती है लेकिन परिवार सबसे अहम है, इसीलिए मैं आज एक दिन का अवकाश लेकर के इस शुभ अवसर पे शुभ को आशीर्वाद देने के लिए मैं आया हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुआ है कि कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ है, हम उसमें शरीक हुए हैं। हम सभी तो आपके बारे में जानते हैं सर, थोड़ा दर्शकों के लिए जो है अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, इंदु मणि त्रिपाठी मेरी बड़ी बहन है, मैं भारतीय रेलवे में हूँ और अभी मैं एडिशनल जनरल मैनेजर के पद पर पूर्वोत्तर रेलवे में कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारत मीडिया से बात करके। आप नाना काशी के मौके पर जो है आप मौजूद हैं, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं सुधाकर मिश्रा, जिस लड़के का उपनयन संस्कार हुआ है उसका नाना हूँ, और हमें अति प्रसन्नता है कि इस शुभ अवसर पे आकर के मैं अपने नाती को आशीर्वाद दिया और उसका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। मैं जयप्रकाश मिश्र, सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, मुझे बड़ी खुशी है कि इस पावन अवसर पे मैं सम्मिलित हुआ, और इसके लिए हमारे तरफ से हार्दिक बधाई उस बालक को, और इस पावन पर्व पे सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत। नमस्कार सर, मैं दिलीप नाथ तिवारी, ग्राम गोपालपुर का रहने वाला हूं, और हमारी ये जो मौसा का ये नाती है, हमारी मौसी जी हैं, बहुत इस संस्कार को देखकर हम लोग बड़े गर्वान्वित हैं और भगवान से कामना करते हैं कि इसी तरह शुभ कार्य होते रहें और सभी लोग अग्रसर इसमें उपस्थित होकर आशीर्वाद बातन प्रदान करें। धन्यवाद। कुमार, मेरा नाम है बक्सी, मेरा घर अधिवक्ता हूँ। लाल बचन तिवारी, प्रधानाचार्य चतुर्भुजनाथ इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया, डॉक्टर दीपक त्रिपाठी के सुपुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने का अवसर मिला है, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चुन्नीलाल गुप्ता, सिकंदरपुर से पत्रकार, मैं डॉक्टर दीपक त्रिपाठी के लड़के की जनेऊ में शामिल होकर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, हमने आशीर्वाद उनको दिया,
बहुत अच्छा लगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो अभी बाकी रह गए, आप जो है ऐसे मौके पर जो है क्या कहेंगे और किस तरह का आशीर्वाद देना चाहेंगे अपने पुत्र को? हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो पड़ाव है ये बहुत कुछ सिखाता है। आज से बच्चा एक सीमित दायरे में बंध जाएगा। सीमित दायरा ये है कि वो खुद के द्वारा, खुद के अलावा बाकी लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, आचरण किया जाता है, वो उसकी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। और पूरे समाज के लिए, कोई जाति धर्म, कोई संप्रदाय, पूरे समाज के लिए आज से वो जिम्मेदारी पूर्वक अपने काम का वो निर्वहन करे। तो बहुत बड़ी बात की वो डिसिप्लिन, अब एक डिसिप्लिन में रहेगा। जो है बड़ी जिम्मेदारियां जो है आपने आज के दिन से जो है डाल दी, आज के दिन से वो डिसिप्लिन में रहे। तो यहाँ देख रहे हैं शुभमणि त्रिपाठी जी का जनेऊ संस्कार था, जिसमें अधिकारी से लेकर पत्रकार तक शामिल हुए। उनके जो है पिताजी यहाँ हैं, खुद जो है डॉक्टर हैं और अच्छे जो है समाज सेवी हैं। और इनका जो है एक डिस्पेंसरी है, डेंटल क्लिनिक है, जो कि पूरे जो है क्षेत्र में जो है नहीं, बलिया जिले से लेकर देवरिया जिले में जो है मशहूर है। भारत मीडिया के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।